हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। आज हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है। स्पीक लाउडली फॉर अ व्हाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। आप क्या करोगे, इस जोर से बोलोगे या फिर सॉन्ग गाओगे या फिर बी की तरह गुनगुनाओगे। पुट योर हैंड ऑन योर ट्रॉट एज सोन इन फिगर। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो हाथ है उसको आपके ट्रॉट पर इस तरह से रखना है। इन ह्यूमन्स आर साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। ह्यूमन्स में क्या होता है, जो साउंड होता है वो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स से प्रोड्यूस होता है। पुट योर फिंगर ऑन, उसको ट्रॉट पर रखना है और आपको फाइंड आउट करना है हार्ट बम्प, जो आप स्वेलो करते हो तो जो हार्ट बम्प मूव करता है वो आपको फाइंड आउट करना है। दिस पार्ट ऑफ बॉडी इज स्वेलो एज द वॉइस बॉक्स, सॉरी इस दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। अब इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। जब आप फिंगर को थ्रॉट पर रखते हो और तो आप जब सोलो करते हो किसी चीज़ को निगलते हो तो आपको क्या होगा, उस किसी हार्ट बम्प में मूवमेंट फील होगा, उस हार्ट बम्प को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। अब ये विंड पाइप जो होता है उसका अपर एंड होता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेस अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट इज लीव अ नैरो स्लिट बिटवीन दैम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। अब टू वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो वॉइस के आगे पीछे है ना, उसके पीछे में क्या होता है, ये दोनों तरफ उसके स्ट्रेच्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड वॉइस बॉक्स के दोनों तरफ होते हैं और ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में नैरो स्लिट बन जाए एयर के लिए। देखो डायग्राम यहाँ पर, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड। अब जब क्या होगा, लंग्स में से एयर जब पास होगी, जब लंग्स में एयर पास होगी तो क्या होगा, वो जो वॉइस बॉक्स हैं तो वो वाइब्रेट करेंगे, जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे और साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। अब जो वोकल कॉर्ड से जो मसल्स अटैच होती हैं वो उसको टाइट भी करती है और लूज भी करती है। तो टाइट वाली, टाइट और थिन की जो वॉइस होगी मसल्स की, वो जो मसल्स लूज होंगी और थिक होंगी उनसे डिफरेंट होगी। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट। वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन। अब यहाँ पर देखेंगे कि वोकल कॉर्ड किस तरह से फंक्शन करना है। रबर स्ट्रिप ऑफ द सेम साइज, प्लेस दीज टू पीसेज वन अबव द अदर एंड स्ट्रेचली। आपको क्या करना है, रबर के दो पीसेस लेना है और उसको उनको एक के ऊपर एक रखना है और उनको स्ट्रेच करना है टाइटली। एज द एयर ब्लो थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप अ साउंड इज प्रोड्यूस। फिर आपको क्या करना है, उसमें जो गैप होगा दोनों रबर के बीच का उसमें आपको ब्लो करना है, फूकना है। फूकने से क्या होगा, जब फूकोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा स्ट्रेच रबर स्ट्रिप से। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विथ अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन यूर फिंगर एज सून इन फिगर। अब यहाँ पर देखो, फिगर में इस तरह से आप पेपर का क्या करना है, नैरो स्लिट बनाने, पेपर लेना है और उसमें नैरो स्लिट बनाकर उसमें एयर को ब्लो करना है तो इस तरह से उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। अवर वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर। तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी इस तरह से क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जब उसके अंदर एयर रहता है तो वो वाइब्रेट होते हैं और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं।
साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। अब जो साउंड होता है उसको प्रोपोगेट होने के लिए, उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, जब आपका कोई फ्रेंड बहुत दूर खड़ा होता है तो आप उसको आवाज़ देते हो। योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस, तो आपकी फ्रेंड आप जो है वो आपकी वॉइस को सुन लेते हैं। हाउ डज द साउंड प्रोपोगेट और ट्रेवल टू हर, अब जो आपका फ्रेंड जो दूर थे उसने आपके वॉइस को सुना तो किस तरह से आपकी जो वॉइस थी उस तक पहुँची, तो साउंड जो था वो किस तरह से प्रोपोगेट हुआ। इसके हम एक एक्टिविटी देखेंगे। टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, आपको एक मेटल या ग्लास का एक ग्लास लेना है आपको। मेक श्योर डैट इट इज़ ड्राई, आपको ये श्योर कर लेना है कि वो ड्राई है। प्लेस अ सेल फोन इन इट, अब उसके अंदर क्या रखना है आपको, सेल फोन रखना है। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, अब अपने फ्रेंड को आप बोलोगे कि उस पर क्या करें, कॉल करें। लिसन टू द रिंग केयरफुली, फिर आप उस जो रिंग आएगी उसको केयरफुल रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड, अब देखो यहाँ पर इस तरह से दूसरा फिगर जो दिया है आप टम्बलर जो आपको इस तरह से पकड़ना है। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर योर हैंड, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, अब जहाँ पर ओपनिंग है वहाँ पर आपको क्या करना है, अपना माउथ रखना है। इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, फिर आपके फ्रेंड को क्या इंडिकेट करना है कि वो फिर से रिंग करे। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, जब आप एयर को सक करते हो तो आप जो रिंग है उसको आप सुन पाते हो क्या, एयर को सक करते हुए आपको क्या करना है, रिंग को सुनना है। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर, तो यहाँ पर जो साउंड होगा वो थोड़ा सा कम होगा जब आप एयर को सक करोगे, तो साउंड क्या इस समय आपको कम सुनाई देगा। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, फिर आप टम्बलर से अपना माउथ को अलग कर लोगे। डज द साउंड बिकम लाउड, क्या फिर उसके बाद आपको साउंड जो होगा वो लाउड होगा क्या। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? अगर एयर टम्बलर के अंदर कम होगी तो जो साउंड की लाउडनेस है वो भी डिक्रीज होगी क्या? Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, अगर हम सारी एयर को सक कर लेंगे टम्बलर की तो यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, तो आप सपोज करो कि आप इस साउंड को फिर क्या सुन पाओगे, अगर आप एयर को सबको सारी एयर को आप सक कर लोगे तो आप साउंड को सुनोगे क्या। एक्चुअली साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल, जो साउंड है उसको ट्रैवलिंग करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव कम्प्लीटली फ्रॉम अ वेसल्स, अगर हम वेसल्स में से एयर को कम्प्लीटली निकाल लें, इट इज़ सेड दैट देयर इज़ वैक्यूम इन द वेसल्स, तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पर क्या हो गया, वैक्यूम हो गया वेसल्स में। जहाँ पर एयर नहीं होती है उस प्लेस को क्या बोलते हैं, वैक्यूम। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, तो साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है, जहाँ पर एयर नहीं होगी वहाँ पर आपको साउंड सुनाई नहीं देगा क्योंकि वैक्यूम में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करता है। डज नॉट ट्रैवल इन लिक्विड, डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड, लेट अस फाइंड आउट, अब जो साउंड है वो लिक्विड में ट्रैवल करता है क्या, अब हम यहाँ पर देखते हैं। एडेट टेक अ बकेट और बाथटब, फिल इट विथ क्लीन वाटर, टेक अ स्मॉल वेल इन वन हैंड, आपको बकेट या बाथटब में पानी भरना है, फिर उसके आपके आपको क्या करना है, एक स्मॉल वेल लेना है एक हाथ में। शेक द वेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, इस तरह से देखो डायग्राम में आपको पानी के अंदर अपना हाथ डाल के जो वेल है उसको सेक करना है, फिर उसके बाद में आपको देखना है कि उसमें कोई साउंड प्रोड्यूस होता है क्या। मेक श्योर डैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ बकेट और टब, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बेल है वो बकेट या जो टब है उसकी बॉडी को टच ना करे।
केवल पानी में ही रहे वो। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। फिर आपको क्या करना है, आपके कान को उसके वाटर के सरफेस पे रखना है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि पानी आपके कान के अंदर ना जाए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ बेल। तो आप क्या साउंड बेल का जो साउंड है उसको आप सुन पा रहे हो, सॉरी कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, जो बेल का साउंड है उसको आप सुन पा रहे हो क्या। डस इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड। तो क्या ये इंडिकेट करता है कि साउंड जो है वो लिक्विड में भी साउंड जो लिक्विड में भी ट्रेवल करता है क्या। लेट अस फाइंड इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो। अब हम सॉलिड में देखें, पहले हमने एयर में देखा, फिर हमने वाटर में देखा, अब हम ये देखेंगे कि साउंड जो है वो सॉलिड में भी ट्रेवल करता है कि नहीं करता है। टेक अ मीटर स्केल ऑन अ लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट वन एंड टू योर ईयर। आपको क्या करना है, मीटर स्केल लेना है या मेटल की एक रॉड लेना है और उसके एक एंड को अपने कान पर रखना है। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टेप एट द आउटर एंड ऑफ द स्केल। अब अपने फ्रेंड को बोलोगे कि उस पर स्क्रैच करे, जब स्क्रैच करेगा तो आपको उसमें कोई साउंड सुनाई देता है क्या स्क्रैचिंग का। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग वुडन और मेटेलिक टेबल। अब मेटेलिक टेबल पे आप देखो, इस तरह से करके आप एक मेटेलिक टेबल लो और उस पर आप इस तरह से एक्टिविटी को करके देखो, तो आपको एक साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड। तो जो साउंड है वो सॉलिड में भी ट्रेवल करता है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू सो डैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स। अब जो साउंड है ना, ये आप तो देख करते ही हो गए, पहले आप जो बच्चे थे उस तरह के गेम को खेलते थे कि जो स्ट्रिंग्स होता है उससे भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन बनाते थे ना पहले। कैन यू से द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स। तो हम ये बोल इससे हम जो हमने यहाँ पर टेलीफोन बनाया है स्ट्रिंग से, तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो साउंड है वो स्ट्रिंग से भी ट्रेवल होता है। ठीक है, आज हमारा चैप्टर हम यहीं पर ओवर करते हमारा टॉपिक यहाँ पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे वी हियर साउंड थ्रू अवर ईयर्स।